नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। कान्हा की नगरी मथुरा को आरएसएस की प्रेरणा से एक बड़ी सौगात अस्पताल के रूप में मिलने जा रही है। स्वामी विवेकानंद हेल्थ केयर सोसाइटी के द्वारा बनवाए जा रहे इस विशालकाय अस्पताल का भूमि पूजन आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और संत समाज के द्वारा रविवार को किया गया। कान्हा की नगरी मथुरा के गांव छटीका स्थित विश्व प्रसिद्ध गरुड़ गोविंद जी मंदिर के समीप स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी द्वारा बनाए जा रहे 12वें चिकित्सालय का भूमि पूजन पूर्ण मंत्रोच्चारण और साधु संतों के आशीर्वाद के साथ संपन्न हुआ। इस चिकित्सालय का नाम केशव माधव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और संघ के द्वितीय सर संघचालक माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर के नाम पर रखा गया है। यह चिकित्सालय वृंदावन का 300 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, जिसमें ब्रज के साधु संतों के साथ साथ उन जरूरतमंद लोगों को सेवाएं दी जाएंगी जो आर्थिक तंगी की वजह से अपना उपचार करवाने में असमर्थ रहते हैं। केशव माधव चिकित्सालय का भूमि पूजन आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी, आरएसएस के सह सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, आरएसएस के प्रांत प्रचारक डॉक्टर हरीश जी, संत कार्षणी शरणानंद जी महाराज, विजय कौशल जी महाराज, माता मंगला जी और जीएलए के कुलाधिपति नारायण दास अग्रवाल जी की गरिमामयी उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और गुजरात के जाने माने चिकित्सक और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर संत विजय कौशल जी महाराज ने प्रेरणा देते हुए दानदाताओं की सराहना की। बहुत लाभ मिलेगा, ब्रज गरीब बहुत है और रोगी बहुत है। आगे गाँव गाँव में साधु रहते हैं, पूज्य पुरुष हैं, लेकिन थोड़ी सी यहाँ नशे की, भांग की, चिलम की भी एक आदतें हैं। इसके कारण से ब्रजमंडल बहुत गरीब हो गया और रोगी हो गया और आधुनिक चिकित्सा वो करा नहीं सकता। कहीं जाकर पूरी खेती बेच देगा तो भी उसका एडमिशन नहीं होगा। तो उच्च स्तरीय चिकित्सालय बनेगा, इसमें गरीबों की, संतों की, सबकी निःशुल्क चिकित्सा होगी और जो समर्थ हैं दे सकते हैं उनकी न्यूनतम शुल्क पर होगी। अच्छा काम होगा। अरे बिल्कुल लोगों ने दिया क्या कहेंगे? अरे जिनका दिल था उन्होंने खोल दिया। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी इस प्रकल्प से खासी प्रसन्न नजर आई। उन्होंने कहा कि इस चिकित्सालय से ब्रजवासियों को लाभ मिलेगा। केशव माधव चिकित्सालय बनने जा रहा है, ये हमारे सभी जो आरएसएस के मित्र हैं, कृष्ण गोपाल जी, कौशल महाराज जी, उन एक बहुत बड़ा भव्य एक हॉस्पिटल बनने वाला, बहुत ज़रूरी था हमारे वृंदावन मथुरा के लिए। काफ़ी है हमारे पास, अच्छे भी हैं, कुछ इतना अच्छा ठीक भी नहीं है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा, जितना ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनेंगे हमारे एंटायर मथुरा के सिटीजन्स के लिए बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा काम होगा। वहीं दूसरी ओर आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी ने मंच के माध्यम से आह्वान करते हुए कहा कि देशवासियों को सहयोगी के रूप में इस प्रकल्प से जुड़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी से यहां शीघ्र ही इस स्थान पर केशव माधव चिकित्सालय प्रारंभ होने वाला है, जिसका भूमि पूजन कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। मैं समाज के सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं, इस विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी ने अभी तक जो इस क्षेत्र में कार्य किया है, मेडिकल क्षेत्र में, वह आदर्श कार्य है, आगे भी वो करते रहेंगे। उनको इस कार्य में समस्त प्रकार के सहायता समर्थन देकर, इस कार्य को अपना कार्य समझकर इसको संपन्न करें, इसमें आगे बढ़े, यही सबसे अनुरोध है। सोसाइटी के संस्थापकों की माने तो ये हॉस्पिटल विश्व पटल पर अपनी एक बड़ी पहचान छोड़ेगा, क्योंकि वृंदावन में बनने जा रहे इस हॉस्पिटल के साथ हर वो व्यक्ति जुड़ना चाहता है जो नर सेवा में नारायण सेवा का भाव देखता है। शायद यही कारण है
कि भूमि पूजन के वक्त एक नन्हे बालक ने अपनी गुल्लक से 5,100 रुपए का अनुदान दिया। वहीं दूसरी ओर माता मंगला देवी ने अपने खजाने खोलते हुए इस हॉस्पिटल के लिए 108 करोड़ रुपए का अनुदान देकर इस हॉस्पिटल को बनाने में अपना सराहनीय योगदान दिया है। बहरहाल इतना तो साफ है कि इस हॉस्पिटल के बनने के बाद न सिर्फ मथुरा के लोगों को बल्कि आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी बड़ी सुख सुविधाएं और उपचार के माध्यम मिलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट समाचार सिटी 24। कान्हा की नगरी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। जुड़िए समाचार सिटी 24 के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पाएं सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट।